नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में आज मिले 5022 नए कोरोना मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 2018 केस मिले। बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा रही है। राज्य में आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। राज्य में आज कुल 5022 नए कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 2018 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,897 हो गई। बता दें कि शनिवार को बिहार में कोरोना के नए मामले 4,526 थे, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा पटना में 1956 नए मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं शनिवार को बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,311 थी। कोरोना के नए केसेस के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो रोजाना कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के 5 शहरों में पटना जैसा रिंग रोड बनेगा, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। जानिए कौन कौन शहर चमकेंगे। बदतर ट्रैफिक व्यवस्था से जूझ रहे बिहार के 5 प्रमुख शहर की स्थिति सुधरने वाली है। इन शहरों में पटना की तर्ज पर रिंग रोड बनाया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया था। केंद्र सरकार ने इन शहरों में रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि फिलहाल बिहार में सिर्फ एक शहर पटना में रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। रिंग रोड के निर्माण के बाद नए इलाकों का विकास होने के साथ साथ ट्रैफिक समस्या दूर होने की भी संभावना है। इसी बीच बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार से बिहार के 5 और प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। नितिन नवीन ने पिछले दिनों केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बिहार सरकार का कहना था कि पटना के अलावा बिहार के कई और प्रमुख शहर जो न सिर्फ भौगोलिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उनका ऐतिहासिक और पर्यटन के लिए भी महत्व है। मंत्री ने इन शहरों में ट्रैफिक दबाव को कम करने और लोगों का सफर आसान करने के लिए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बिहार में ड्रोन से पकड़ में आई शराब की भट्टियां। ट्रायल के लिए उड़ा था ड्रोन, लेकिन मिल गई बड़ी सफलता। बिहार सरकार ने शराब की भट्टी से लेकर शराब बिक्री के केंद्रों की तलाश के लिए ड्रोन का सहारा लेने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिलों में पुलिस और उत्पाद विभाग को ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। सारण जिले को दिया गया ड्रोन जब ट्रायल के लिए उड़ा तो जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर पुलिस हैरान रह गई। दरअसल सारण में उत्पाद विभाग को मिले ड्रोन के ट्रायल के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रिविलगंज इलाका चुना था। मद्य निषेध विभाग की टीम रिविलगंज के पास पहुंची और दिलिया रहीमपुर इलाके में ड्रोन को ट्रायल के तौर पर उड़ाया। ड्रोन उड़ा और जब वापस लौटा तो उसमें लगे कैमरे की वीडियो उत्पाद विभाग के हाथ लगा। ट्रायल में ही ऐसी तस्वीर मिली कि उत्पाद विभाग की टीम चौंक गई। रिविलगंज के पास दियारा इलाके में शराब तस्करों ने शराब बनाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। ड्रोन के कैमरे में पूरा वीडियो कैद हो गया था। दियारा का वह ऐसा सुदूर इलाका है जहां पुलिस टीम को पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ड्रोन से मिले वीडियो के आधार पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने दियारा इलाके में धावा बोला। हालांकि छापेमारी करने गई टीम के पहुंचने से पहले शराब बनाने वाले भाग चुके थे, लेकिन शराब की भट्टियां वहां मौजूद थी। छापेमार दल ने एक दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। वहां मौजूद भट्टियों को देखने से ही साफ लग रहा था कि काफी दिनों से शराब बनाई जा रही थी। रिविलगंज का दियारा इलाका शराब माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गया था, लेकिन ड्रोन से वे पकड़े गए। बगहा में शुरू हुआ स्पेशल चेकिंग अभियान, बिना मास्क पहने निकले तो खैर नहीं। सूबे में कोविड महामारी की रोकथाम को लेकर रविवार को सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की सख्ती से अमल में लाया गया। इसके लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया गया। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया था। बगहा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली। पुलिस सड़क पर उतरकर मास्क नहीं पहनने वालों का फाइन काटी। वहीं पुलिस के अभियान में कई समाजसेवी भी शामिल हो गए जो मुफ्त
मास्क बांटकर लोगों से हर हाल में मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की अपील कर रहे थे। लगातार कोरोना के बढ़ रही रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। अब फोन पर घर बैठे मिलेगी चिकित्सा सुविधा। IGIMS में शुरू होगी टेलीमेडिसिन सेवा। बिहार में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी बढ़ा दी है। एक और स्वास्थ्य विभाग डाक की मदद से संक्रमित लोगों को घर पर ही दवा पहुंचा रहा है, तो अब मरीजों की संख्या को देखते हुए मरीजों के लिए कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। इस बीच IGIMS में टेलीमेडिसिन OPD सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार से 20 विभाग के 20 डॉक्टर मरीजों का घर बैठे इलाज व परामर्श देंगे। इस टेलीमेडिसिन OPD पर मरीज संबंधित डॉक्टर से घर बैठे परामर्श ले सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि 10 जनवरी से टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ मरीज घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर टेलीमेडिसिन के लिए मौजूद रहेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कानूनगो, आमीन और लिपिक समेत 2247 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार के बेरोजगार लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभिन्न कैटेगरी के 2247 से अधिक पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, आमीन और लिपिक के रिक्त पदों को भरने का पूरा जिम्मा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण के लिए पहले चरण में संविदा के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 पद, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 550, विशेष सर्वेक्षण आमीन के 4950 तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 550 पदों का सृजन किया गया था। 2019 में इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 550 संविदा आमीन की अलग से बहाली की गई थी। इस बहाली के कई कर्मचारी की सेवा विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई। सहरसा में मिला प्लास्टिक का अंडा, पीड़ित ने सिविल सर्जन से की शिकायत, भेजा गया जांच में। इस वक्त की बड़ी एवं चौंकाने वाली खबर सहरसा से आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गंगजला चौक निवासी बाबुल सिंह ने मंगलवार को सिविल सर्जन सहित फूड ऑफिस पहुंचकर जिले में प्लास्टिक के अंडे की धड़ल्ले से बिक्री होने की शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा नमूने के तौर पर घर से तले हुए अंडे को भी लाया गया था, जिसे सिविल सर्जन को दिखाया गया। वहीं फूड पदाधिकारी को भी दिखाया गया था। उनके द्वारा किए गए शिकायत पर सिविल सर्जन सहित फूड विभाग के अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया। उनके द्वारा लाए गए अंडे के नमूने को सील की गई है, जिसके जांच के लिए पटना भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आने के बाद प्लास्टिक के अंडे के होने की पुष्टि होते ही बड़ी कार्रवाई होगी। फिर एक बड़े फर्जीवाड़े का भी उद्भेदन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, तैयारी में अस्पताल। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, इसको लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी है। अस्पताल के COVID-19 वार्ड को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही वेंटिलेटर ऑपरेटर की बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो फिलहाल आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार में ठंड का कहर, न्यूनतम पारा 10 से नीचे, अगले दो दिनों तक कोल्ड डे के हालात। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, हर दिन तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और अन्य उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा के आने और नमी की वजह से कुहासा के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है। आने वाले दो दिनों तक पटना सहित पूरे बिहार कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। वहीं मंगलवार की शुरुआत भीषण कुहासे से हुई, दोपहर में हल्की धूप निकली थी, शाम होते ही ठंड के असर की वजह से लोगों को घर में कैद रहने के मजबूर कर दिया। बता दें कि मंगलवार को पटना, गया, पूरा बांका, पूर्णिया,
छपरा, फरसबीसगंज समेत कई शहर कोल्ड डे की चपेट में रहा। राजभर में पटना में सबसे घना कोहरा छाया रहा और इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 100 मीटर थी। हालांकि दिन होते ही कुहासा छटा, हल्की धूप निकली, पर शाम में फिर कुहासा छा गया था। पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6-लेन पुल, यूपी जाना होगा और आसान। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6-लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है, बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच JP सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4-लेन की जगह 6-लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना